कहते हैं कि बुनियाद अगर अच्छी हो तो इमारत बुलंद होती है, जिसे कोडरमा जिला प्रशासन सार्थक करने की कोशिश कर रहा है। किलकारी प्रोजेक्ट के तहत जिले के आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को कुछ अलग तरीके से शिक्षा दी जा रही है, जिससे बच्चों की बुद्धि के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास भी हो सके। किलकारी प्रोजेक्ट के तहत आंगनबाड़ी सेंटरों में नन्हे बच्चे खेल खेल में किस तरह पढ़ाई कर सके, इसकी सुविधा व उपकरण की व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन आंगनबाड़ी सेंटर को प्ले स्कूल जैसा करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ना लिखना सिखाया जा सके। जिसे लेकर जिले के सभी 745 सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को रचनात्मक कलाकारी और रंगों से सजाया जा रहा है, ताकि बच्चों की रुचि बढ़ सके। जिला प्रशासन सभी सेविका दीदियों को प्रशिक्षित भी कर रहा है, जिससे कि कोडरमा जिले का नाम पूरे राज्य सहित देश में अव्वल रहे। इसी प्रयास को लेकर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को उपायुक्त आदित्य रंजन ने मोटिवेट किया। अरे पहले नहीं जाना चाहता था, अभी क्यों जाना चाह रहा है कि मैडम बहुत अच्छा से चीज कराती है, वेलकम कराती है, हम लोगों को गीत भी सुनाती है, भाव भी कराती है और बहुत अच्छा मैडम अभी अच्छा से चीज बताती है मैडम, इसलिए हमको जाना है। जब 7 दिन लगातार ये काम किया, सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ हम लोग एक बार बात करना चाहते हैं, वो भी किए हैं चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। परंतु सर पिछले सप्ताह से हर एक परियोजना के आंगनबाड़ी सेविकाओं को एक साथ संबोधित कर रहे हैं सर, अपनी कुछ कर रहे हैं कि जिले में लगभग 750 आंगनवाड़ी सेंटर हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे सभी सेंटर्स में जो रूटीन है डेली बच्चों को पढ़ाने से लेके बच्चों के पोषण और साफ सफाई तक लेकर, इस सब को होलिस्टिकली डेवलप करें, ताकि आंगनवाड़ी को लेके जो सोच है या बच्चों का जो ग्रोथ